Everyone, welcome to my channel, Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to start with part six of chapter number 2, that is acids, bases, and salts. So, ये हमारी class 10 का second chapter है, हमारी NCERT book का second chapter है. तो इसके हमने 5 parts already कर लिए हैं, अब हम इसका 6th part करने वाले हैं. इसके 6th पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग पीएच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पीएच में पी क्या डिफाइन करता है, हमारा पावर डिफाइन करता है. ठीक है, तो पीएच क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. पीएच की जो रेंज होती है वो 1 to 14 वो पढ़ चुके हैं. तो कौन से पीएच का, कौन सी वैल्यू का क्या मतलब होता है ये भी हम देख चुके हैं. पर अब हम इसकी इम्पोर्टेंस इन जनरल एवरीडे लाइफ में हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ना चाहेंगे. कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाता है, और मे बी इन स्मॉल क्वेश्चंस यू के दे कैन आस्क यू कि पीएच एक्चुअल में है क्या. ठीक है, व्हाट इज अ पीएच की डेफिनेशन आ जाती है. देन दे कैन आस्क यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द पीएच. ठीक है, एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेती है. देन इन द लास्ट पार्ट दे विल मेंशन कि टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. सो ऑल कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है. तो छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठे आप जब आंसर करेंगे तो दैट विल कम एज अ बिग क्वेश्चन आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ की. सो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही काम करती है. ठीक है, जब उससे कम या ज्यादा पीएच हो जाता है तो दैट बिकम्स हार्मफुल फॉर अस. तो पीएच जो हमारी बॉडी काम करती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी काम करती है, वो पीएच 7 to 7.8 की रेंज में बेसिकली काम करती है. और यू कैन से दैट कि नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 तक इट गोस. ठीक है, तो जबकि हम पीएच 7 न्यूट्रल बोलते हैं, सो दिस इज अवर रेंज. इससे ऊपर जब चला जाता है तो वो बेस हो जाता है, इससे ऊपर चला जाता है तो एसिड हो जाता है. ठीक है, तो जो एसिड रेन होती है उसका पीएच कितना होता है, डू यू नो, एसिडिक रेन, एसिड रेन बोला जाता है. ऑब्वियसली वो एसिड होगा, वो 7 से कम होगा पीएच, ये तो आप समझ गए होंगे. बट कितना पीएच होता है, पीएच इज 5.6. सो रिमेम्बर एसिड रेन का पीएच होता है हमारा 5.6. तो ये एक पिक्चर मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यू कैन सी दिस पिक्चर. इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 तक रेंज करता है. ठीक है, तो जब नॉर्मल पीएच से जो रेशियो है अगर बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाती है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है, वो एल्कलोसिस कहलाता है. एल्कलोसिस सो मतलब कि HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट्स की एग्जांपल ले रखी है यहाँ पे. अगर बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाती है तो बैलेंस हिल जाता है, तो वो दैट इज एल्कलोसिस वाली बात हो. तो अगर इससे ऊपर हो जाए तो डेथ के चांसेस है. ठीक है, वेयर इज अगर 7 तक है तो पीएच नॉर्मल है, बट अगर वो बाय इधर की साइड कार्बोनिक एसिड में अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, H2CO3 की एक्सेस हो जाए यहाँ पे, जैसे H2CO3 मेंशन है, जब इसकी एक्सेस हो जाएगी कंडीशन क्या हो जाती है, एसिडोसिस मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया, और अगर इसके बाद एसिड पार कर जाता है तो दैट मींस डेथ. ओके, सो दिस इज शोन इन अ डेली लाइफ सिनेरियो. ठीक है, सो पीएच की हमारी बॉडी मैक्सिमम कहाँ वर्क करती है, जब पीएच की रेंज 7 to 7.8. ठीक है, उसे ऊपर नीचे बियर कर सकती है, बट अगर ज्यादा फर्क आएगा सो इट कैन कॉज अस हार्म. सो लेट्स सी डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या होता है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि हमने बात की थी कि हमारी जो है बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है, डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करती है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विच इन अवर स्टमक. ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड को, फूड की डाइजेशन को हेल्प करता है ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बट ये एक स्पेसिफिक रेंज में ही होना चाहिए. स्टमक्स का जो रेस्टिंग पीएच लेवल है 4 to 5 के बीच में रहता है. ठीक है, जब हम हाई प्रोटीन मील ले लेते हैं तो हमारा जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है 1 या 2 डिग्री, जिसके कारण एसिडिटी होने के चांसेस हो जाते हैं.
जब पेट में एसिडिटी इंडाइजेशन के कारण एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, हम एंटासिड्स लेते हैं, हम बेस ले लेते हैं. बेस में कौन सा आता है, हम या तो बेकिंग सोडा यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोला जाता है, इसको लिया जा सकता है. ये एंटासिड का काम करेगा, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को हमारी बॉडी के अंदर. ओके, सो ये हो गया हमारा पीएच हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है और वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. So, अब हम बात कर लेते हैं पीएच का रोल टूथ डिके में. हमारे टीथ के टूटने में पीएच का क्या रोल हो सकता है. सो लेट्स सी, जो हमारे बैक्टीरियाज अगर माउथ में, जब हम, हमें क्यों कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप ब्रश जरूर कीजिए, सोने से पहले रात को ब्रश जरूर कीजिए, बिकॉज जो हमारे खाने में मुंह में जब कुछ रह जाता है तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. जो एसिड है यही मेन कॉज है, यही मेन प्रॉब्लम कॉज करता है. जब पीएच लेवल 5.5 से नीचे चला जाता है, एसिडिटी का लेवल जो है वो इतना कम हो जाता है, तो हमारी टूथ जो है उसकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रश करते हैं. तो हमेशा कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के ब्रश यूज कीजिए, बिकॉज उनके अंदर एल्कलाइन, उनकी अल्कलाइन नेचर होगी, उनके अंदर कुछ जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेगा आपके टूथपेस्ट के अंदर, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड. सो दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल. ओके, देन सी द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड. तो आप अपने गार्डन में या आपके आस पास कोई पार्क होगा, उसमें जो पीएच है, सॉइल का पीएच है, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी ग्रास जो है वो ग्रो कर पाएगी. ज्यादा एसिडिक भी नहीं हो सकता, ज्यादा बेसिक भी नहीं हो सकता. सो स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल जो है वो आइडियल है लॉन्स के लिए. ठीक है, 6.2 टू 7 की रेंज में जो पीएच है दैट इज रिक्वायर्ड. देन इज की प्लांट्स और पीएच भी, प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव है. यस, दे आर ऑल्सो पीएच सेंसिटिव, क्योंकि आपने देखा होगा जब हनी भी या येलो वैस जब आपको किसी को काट लेती है, लाइक द स्टिंग, ठीक है, दैट कॉजेस पेन बिकॉज दे रिलीज सम एसिड ऑन इट. ठीक है, जिसके कारण पेन होता है और इरिटेशन होती है. उसको वर्कआउट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बेस जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा. अब कुछ नेटल लीव्स होते हैं, उनकी जो हेयर्स होते हैं, एक नेटल लीव्स होते हैं प्लांट्स की, उनकी कुछ स्टिंजिंग हेयर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, वो क्या करते हैं, वो मिथेनोइक एसिड रिलीज आउट, इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो जिसके कारण हमें पेन महसूस होता है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी एसिड, पीएच का जो लेवल है वो कम हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल ज्यादा रहती है. ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया जाता है. Then is, this is about the importance of pH in our daily life. So in the next video, we are going to study about the salts. अभी तक हम acids कर चुके हैं, base कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं salts. Okay, so thank you so much. So if you like this video, don't forget to press the like button and share this video with your friends and subscribe my channel by pressing the bell icon. Bye-bye. See you tomorrow with the new video.